हाय दोस्तों, हमारे चैनल के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस घंटे के बटन को भी दबाना ना भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीटी चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपने पेटीएम वॉलेट से पेटीएम बैंक में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट वहाँ पे कुछ यूज़र्स को, पेटीएम यूज़र्स को जो है प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि पेटीएम इंटरनेट चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस जो रहती है, नेट फीस वो लगा रहा था। मतलब आपको उसको पे करने पड़ रहे थे। तो मैंने और एक वे निकाला है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, विदाउट कोनी कोई इंटरनेट चार्जेस पे किए बिना अपने पेटीएम बैंक में जो है वो पैसा इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसके लिए आज हम यूज करेंगे तेज एप्लीकेशन। तो मैं आपको बताता हूँ तेज एप्लीकेशन से आप पैसा कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पासबुक में जाके मेरे सेविंग अकाउंट जो है उसके अंदर फिलहाल कितना पैसा है। तो अभी देख सकते हो आपकी 100 रुपीज़ मेरे बैंक में जो है वो अभी है। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि 100 रुपीज़ और सेंड करके आपको दिखा देता हूँ मेरे पेटीएम बैंक में। तो मनी ट्रांसफर करने से पहले आपको दो चीज़ों की ज़रूरत रहती है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, आपका अकाउंट नंबर और आपका आईएफएससी कोड। तो यहाँ पे बैंक का एप्लीकेशन है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे बैंक पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सेविंग अकाउंट करके दिखा रहा है और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मिल जाएगा। तो जस्ट उसे नोट डाउन कर दीजिए और तेज एप्लीकेशन ओपन कर दीजिए। तो अगर तेज एप्लीकेशन आपके पास नहीं है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप तेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट सिंपल ऐप है, जैसे हम यूपीआई के लिए डिफरेंट ऐप यूज कर सकते हैं वैसी तेज एप्लीकेशन है जो मनी ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं हम बैंक से बैंक। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली आपका तेज एप्लीकेशन आपके जिस भी बैंक से लिंक है उस बैंक से मनी डेबिट होगा और आपके पेटीएम बैंक में चला जाएगा। मतलब एक बैंक से हम दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जस्ट आपको क्या करना है, न्यू है यहाँ पे, उस पर क्लिक करना है। तो न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट नंबर स्टार्टिंग में ही दिखा रहा है, पे यूजिंग एन अकाउंट प्लस आईएफएससी। तो उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो डिटेल्स बताई थी आपको, अकाउंट नंबर जो है वो एंटर करना पड़ेगा और आईएफएससी कोड, इसलिए वो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो मेरा डिटेल जो है मैं वो यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स एंटर कर दी है और मैं प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो अमाउंट एंटर करनी पड़ेगी जितनी आपको ट्रांसफर करनी है। तो मैंने बोला था आपको कि 100 रुपीज़ में ट्रांसफर करके दिखा दूंगा, तो ये 100 रुपीज़ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम तेज और प्रोसीड टू पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको अपना यूपीआई पिन एंटर करके ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने यूपीआई पिन एंटर करके अभी ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो पैसा तो मेरे बैंक से डेबिट हो चुका है जो मेरा बड़ौदा का बैंक है। तो मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसिंग करके दिखा रहा है अभी, बट पैसा तो डेबिट हो चुका है। तो देखते हैं अभी क्या हुआ है करके, पेटीएम वॉलेट में जाके ऐड हुआ है या नहीं। तो मैं पासबुक में जाता हूँ और यहाँ से सेविंग्स अकाउंट। तो अभी देख सकते हो आप 200 रुपीज़ मेरे पेटीएम वॉलेट में अभी ऐड हो चुके हैं। तो कभी कभी तेज एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं दिखाता, इन प्रोसेसिंग है करके दिखा देता है, बट आपका जो है वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाता है क्योंकि मेरे बड़ौदा के बैंक से पैसा डेबिट हो गया और यहाँ पे पेटीएम के पेमेंट्स बैंक में जो है वो 100 रुपीज़ जो है ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो 8:20 हुए हैं और 21 फरवरी आज का डेट, और 200 रुपीज़ मेरा अभी फिलहाल बैलेंस है। तो इस तरह से आप तेज एप्लीकेशन को यूज करके अपना जो पेटीएम का अकाउंट है उसके, पेटीएम का बैंक है उसके अंदर पैसा इजीली ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट कोई इंटरनेट चार्जेस के या फिर विदाउट कोई नेट फीस पे करके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी अपने बैंक में, दूसरा कोई भी बैंक हो, सपोज आपके दोस्त को भी पैसा सेंड करना है तो उसके लिए भी आप तेज एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। मतलब तेज एप्लीकेशन से आपको जस्ट अपने दोस्त का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड एंटर करना है और उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। और तेज एप्लीकेशन के बहुत सारे वेज है जिससे कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, उसके भी वीडियोज मैंने बनाए हुए हैं। तो जस्ट वो वीडियोज भी आप चेक कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।